हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न फ्रॉम होम। माय नेम इज़ तनु राय और आज हम क्लास 7 हिस्ट्री का चैप्टर 4 मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। हमने 3 चैप्टर पढ़ लिए जिसमें हमने पहले ही जाना कि हमारी हिस्ट्री कैसे इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि हम 6th से लेकर 12th तक पढ़ते आ रहे हैं। और फिर 2nd चैप्टर में ये जाना कि जो हम मेडिवल यानी कि जो हम मध्य भारत की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मध्यकालीन भारत की, वो कहाँ से शुरू होती है, उसका टाइम पीरियड कहाँ तक है। फिर हमें दिल्ली साम्राज्य जाना। अब हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट मुगल साम्राज्य का जो टॉपिक है हम उसको पढ़ेंगे, ताकि हमें आज के समय में जो हम चीज़ों को देखते हैं, बदलावों को देखते हैं, पता लगे कि उसकी शुरुआत कहाँ से हुई। जैसे एग्जाम्पल के लिए जो आगरा है, आगरा शहर किसने बसाया, दिल्ली शहर में बहुत सारी इमारतें हैं, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस हैं, वो कहाँ से आए हैं, या बहुत सारे ऐसे शहर हैं जिसको किसने बसाया, क्योंकि वो सब तो मुगलों, हम मुगल का चैप्टर पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि मुगलों द्वारा बसाया, लेकिन क्यों है, उनकी नीतियाँ कैसी रही है, हम इसमें ही जानेंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैप्टर को शुरू करने से पहले पिछले जो 3 चैप्टर्स की वीडियो है उन्हें ज़रूर देखें, ताकि आपको सारे चैप्टर्स में लिंक बनाने में बहुत ईजी हो जाए। चैप्टर्स बहुत इजी हैं, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपके लिए कुछ पॉइंट्स बनाए हैं कुछ इस तरीके के, तो आप देख लीजिए। इस तरीके के पॉइंट्स बनाए हुए हैं तो आपको पॉइंट्स याद रहे चैप्टर में आंसर लिखने के लिए। तो हम शुरू करते हैं। जो उसकी पहली लाइन है वो कह रहा है कि भारत जैसे विशाल व विविध सांस्कृतिक देशों में शासन करना कठिन कार्य था। ये बात बिल्कुल सही है। भारत, आज का जो हमारा भारत है वो कुछ इस तरह का दिखता है, ये देखिए, इस तरह का दिख के ऐसे करके है, फिर इधर से थोड़ा सा ख़राब बना है, लेकिन आप एडजस्ट कर लीजिए कि हमारा आज का भारत कुछ इस तरीके का दिखता है। लेकिन जो पहले का भारत था वो बहुत ही ज़्यादा विशाल था, और वो ऐसे इधर से, फिर हमारा जम्मू कश्मीर है और हमारा नॉर्थ ईस्ट का पार्ट इधर है, जिसमें बांग्लादेश भी इंक्लूड था। तो ये जो हमारा भारत है ये अलग तरीके का भारत था, इस पर मतलब ऐसा कोई बाउंड्री तो था नहीं। तो यहाँ पर ऐसा माना जाता था कि कोई भी राजा हो, कोई भी व्यक्ति हो, पूरे भारत पर, ठीक है, पूरे भारत पर वह शासन नहीं कर सकता, ये ऐसा लोगों का मानना था। ये बात मुगलों के टाइम पे भी सच रही। तो जब मुगलों ने अपना साम्राज्य स्थापित किया 16वीं शताब्दी में, ठीक है, 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध, इसका मतलब जब 16वीं शताब्दी ख़त्म हो रही थी उसके टाइम पीरियड पर, कुछ लास्ट के 10-20-30 साल बचे होंगे वो वाला टाइम, ठीक है। तो उसने आगरा और दिल्ली इस पर अपना कब्जा किया और फिर धीरे धीरे वह दूसरे क्षेत्रों की तरफ बढ़ने लगे। 17वीं शताब्दी तक में तो उन्होंने पूरे भारत पर या पूरे उपमहाद्वीप पर ही कब्जा कर लिया था। आप देख रहे हो कि सिर्फ 30 से 40 सालों के अंदर उन्होंने पूरे भारत के ऊपर कब्जा कर लिया था। ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है किसी भी ऐसे राजा या किसी भी ऐसे साम्राज्य के लिए जो खुद भारत का नहीं है, क्योंकि ये लोग भारत के नहीं थे। तो फिर सवाल उठता है कि ये लोग कौन थे। लेकिन ये जानने से पहले हम देखते हैं कि इन्होंने भारत के ऊपर कब्जा कैसे किया। जो इनका कब्जा करने का या भारत के ऊपर शासन करने का जो तरीका था, इनका प्रशासन और शासन संबंधी ये नए तरीके के नियम लेकर आए थे अपने साथ, क्योंकि अगर ये भारत के होते तो इनके नियम, इनका विचार, ये सब एक जैसा होता, जैसे यहाँ के लोग हैं। फिर इनका भी ऐसे मानना होता कि ये भारत पर, पूरे भारत को इकट्ठे ये शासन नहीं चला सकते, लेकिन इनके विचार, इनका शासन करने का तरीका बिल्कुल अलग था, बिल्कुल नया था, जो शायद इनके सक्सेस में बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। ये इतना इम्पॉर्टेंट था कि इनके मतलब इतने अच्छे नियम थे कि इनके पतन, यानी जब ये मुगल साम्राज्य ख़त्म हो रहा था या हो चुका था, उसके बाद भी कई राजाओं ने इनके नियमों को कंटिन्यू रखा है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि ये मुग़ल थे कौन। तो मुग़ल दो महान वंशक हैं, ठीक है, हमारे इतिहास में, जो उनके संतान थी ये लोग, बहुत ज़्यादा, जैसे पिता की तरफ से ये लोग थे तैमूर शासक के वंशज, और इनका जो साम्राज्य फैला था वो ईरान, इराक, तुर्की का क्षेत्र था, ठीक है। और माता की तरफ से ये लोग मंगोल शासक के वंशज थे। आपने अगर चैप्टर थ्री अगर आपने ठीक से पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि उसमें
मंगोल शासक जो चंगेज़ खान था बार बार भारत पर वो हमला कर रहा था अफ़गानिस्तान के रास्ते से। वह भारत को लूटना चाह रहा था, उस पर कब्जा करना चाह रहा था, लेकिन बार बार वो असफल होता जा रहा था। तो ये उसी चंगेज़ खान यानी उसी मंगोल शासक के लोग वंशज थे, जो इनका जो शासन था ये चीन और मध्य एशिया में फैला हुआ था। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट बात, ये तो हमने इनका पूरा बैकग्राउंड देख लिया, जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो मुग़ल थे वो अपने माता के साथ वाले वंशज या मतलब अपनी आइडेंटिटी को कभी भी कंटिन्यू नहीं करना चाहते थे, अपने साथ नहीं रखना चाहते थे। उनका कहना था कि ये लोग नरसंहार करते हैं, लूटपाट करते हैं, लोगों के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते हैं, एक बुरी ख़राब छवि बनी हुई है। अगर हम ऐसी छवि को अपने साथ रखेंगे तो लोग हमें सम्मान नहीं देंगे और हमारे खिलाफ़ हो जाएंगे, ये उनका ऐसा मानना था। तो वह अपने पिता के ऊपर ज़्यादा गर्व करते थे। वो क्यों? क्योंकि 1398 यानी करीब 1400 में उन्होंने दिल्ली के ऊपर कब्ज़ा किया, और उनके लिए बहुत बड़ी गर्व की बात थी कि उनके पिता ने दिल्ली के ऊपर यानी भारतीय महाद्वीप पर अपने शासन की शुरुआत कर दी है। इसीलिए वह अपने माता के साइड के जो पूरा शासन या शासक थे उसे बिल्कुल पसंद ही नहीं करते थे, वो अपने पिता के साइड वालों को पसंद करते थे, और उन्होंने कंटिन्यू भी इसी को रखा है। वो अपने आप को हमेशा कहते थे कि हम मुग़ल हैं लेकिन तैमूर के वंशज हैं, हम इसके वंशज नहीं हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इनके सैन्य अभियान कैसे रहे। तो सैन्य अभियान मतलब कि कैसे इन लोगों ने शुरुआत की भारत में, क्योंकि भारत में मुग़ल पहले तो थे नहीं, इनसे पहले भी बहुत सारे राजा महाराजा थे, वो हिंदू मुस्लिम और बहुत सारे जगह से आके यहाँ पे शासन किया, यहाँ पे कोई भेदभाव किया नहीं जाता था किसी के साथ। तो इन्होंने कैसे अपने आप को स्थापित किया और इतना महान बनाया? तो इसका कारण है कि प्रथम शासक पहले तो शुरुआत कर चुके थे तैमूर वंश के लोग, ठीक है, इस टाइम पर, लेकिन उसके बाद जो मुग़ल फाइनली जो मुग़ल हम जिस वर्ड की बात करेंगे वो प्रथम शासक बाबर ने किया था। उसका भारत में जो शासन रहा वो करीब 4 साल का रहा, 1526 से 1530 तक का। आपको ये याद करना है, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि और इसके बारे में भी याद करना है कि कौन थे, कैसे आए लोग, और सबसे पहले कौन आया, फिर इसका बेटा अगर कोई था तो कौन था, ये सब चीज़ें। इसका जो युद्ध हुआ पानीपत का युद्ध, ये दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी के साथ हुआ, और उसे हरा कर इसने दिल्ली और आगरा के ऊपर हमला करा और उसको कब्जा कर लिया। अब जो इम्पोर्टेंट बात हम अब आगे पढ़ेंगे वो कि मुग़ल कौन थे, मतलब किसके, हमने ये देखा कौन थे, लेकिन अब हम ये देखेंगे कि बाबर के बाद कौन आया, ठीक है, और उसके बाद फिर कौन आया। अब हम ये देखेंगे जो मुग़ल सम्राट की जो तालिका है, ठीक है, अब हम इसको पढ़ने इससे समझने की कोशिश करेंगे। देखिए सबसे पहली बात, हम इसमें दो चीज़ों को हमें कंटिन्यू कर मतलब एक साथ चलाना है, वो ये है कि मुग़ल अभियान सॉरी प्रमुख अभियान और घटनाएं। तो हम इसमें देखेंगे दो चीज़ें कि पिता पुत्र फिर उसका पुत्र, पूरा इनका एक वंश किस प्रकार चला, ठीक है। दूसरी जो हम इसमें चीज़ देखेंगे वो ये था कि किस तरीके से इन्होंने भारत के ऊपर अपना शासन पूरा बनाया। जैसे हमने पढ़ा कि 1526 से 30 के टाइम पर बाबर ने पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोधी को हरा कर आगरा और दिल्ली जैसे क्षेत्रों पर उसने हमला कब्जा कर लिया, यानी नियंत्रण बना लिया अपना इसने। तो यहाँ पे क्या था, ये कंटिन्यूटी है, तो आप इसको समझिए। 1526 में उसने पहले इब्राहिम लोधी को हराया, ठीक है, 27 में उसने खानुवा, जिसे आज के समय में खानवा कहा जाता है, ठीक है, वहाँ पर राणा संगा राजपूत राजाओं और अन्य जो लोग थे जो राणा संगा की मदद करते थे उन लोगों को हराया। फिर 28 में उसने चंदेरी के राजपूतों को हराया। तो ये एक पूरा प्रोसेस रहा है, उसने करीब 4 साल तक खूब युद्ध लड़े हैं, उसके बाद जाकर उसे दिल्ली और आगरा के क्षेत्र मिले हैं। तो हम इसमें समझ में आपको कैसे हम मुग़ल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, उसके अभियानों और नीतियों के बारे में पढ़ेंगे, कैसे उसने भारत पर अपने आप को मजबूत किया है। अब है हमारा हुमायूं, बाबर का बेटा कौन? हुमायूं, ठीक है। तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में याद रखना है कि 1530 से 40 अपने पिता, जब उसके पिता की मृत्यु हो गई तो 1530 में, तो अपने पिता के ही अभियानों को उसने कंटिन्यू रखा। और उसके बाद इस यहाँ पे दो डेट्स, आपको कंफ्यूज नहीं होना इन दो डेट्स से, ठीक है। ये जो दो डेट्स हैं वो ये है कि पहले वो उसने इस टाइम तक अपना शासन चलाया, और फिर पहले 1540 तक उसने अपना शासन चलाया, और फिर 1546
56 तक अपना शासन उसने चलाया, सॉरी 55 से 56 तक। तो हम डेट वाइज देख लेते हैं क्या हुआ। तो पहला ये हुआ कि बाबर को अपने पिता की वसीयत के अनुसार, ठीक है, जायदाद, अपनी जायदाद का बंटवारा करना था। तो अब दिल्ली और आगरा दो ही वो जीत पाया था, तो एक एक प्रांत दोनों भाइयों को मिला। उसके भाई का नाम था मिर्ज़ा कामरान, जो बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए, हमें याद भी नहीं करना है। जो हमें याद करना है वो अब इम्पोर्टेंट ये है कि हुमायूं का शेर खान के साथ युद्ध हुआ था दो बार, ठीक है, चौसा का युद्ध और 1540 में कन्नौज का युद्ध। आपको ये चीज़ें याद रखनी है। इनसे हारने के बाद दो साल कंटिन्यू वो लड़ा है, लेकिन अलग अलग जगहों पर ही, चौसा का और कन्नौज का युद्ध वो लड़ा है, और दोनों में वो हार गया है। उसे मजबूरन वापस ईरान, जहाँ से वो आया था, उसे वापस वहीं जाना पड़ा। ईरान में उसने एक व्यक्ति सफादिब शाह, जिस हमें नाम याद नहीं रखना, उसकी मदद ली। और फिर उसने 1955 में, करीब 15 साल बाद, वो आया और दिल्ली के ऊपर उसने कब्जा किया। और फिर अगले ही साल उसकी मृत्यु हो गई, यानी 56 में उसकी मृत्यु हो गई। एक साल तक ही वो अपना ठीक से शासन चला पाया था। अब हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये हुमायूं का बेटा कुंवर है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है इंडियन हिस्ट्री में, और बहुत महान राजाओं में से एक इन्हें माना जाता है। 13 साल की उम्र में ही इन्हें अपना शासन मिल गया था। ये देखिए, इसको पढ़ने का तरीका है, तीन अलग डेट्स हम पढ़ेंगे। पहला 56 से 70 के बीच में, दूसरा 70 से 85, और 85 से 1605। एक चीज़ और ये कि जब अकबर राजा थे तो पूरे भारत पर मुग़लों का साम्राज्य बन चुका था, बहुत स्ट्रांग था। उनके बाद के राजाओं के बाद भी ये रहा है, लेकिन इतना स्ट्रांग नहीं रहा है, और इतना ही इतनी मुग़लों को कभी इज्जत मिली जितनी सिर्फ अकबर के समय में मिली थी। अकबर से पहले भी इतना वो ना स्ट्रांग था, ना उन्हें सम्मान मिलता था, ना उसके बाद ऐसा हुआ है। तो अकबर इसीलिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पहला ये था कि उसका मतलब जब वो राजा बना 56 में, जब उसकी उम्र सिर्फ 13 साल की थी, तो उसके आपस में ही भाइयों के बीच में मतलब झगड़ा हो गया कि कौन कौन सा क्षेत्र लेगा, कौन राजा बनेगा। तो उसने उन सबको हराया, और 1568 में से सोदियों की राजधानी चित्तौड़ और रणथंभौर, इसके ऊपर उसने कब्जा कर लिया है 1568 में। ये दोनों चीज़ें आपके यहाँ पे पड़ती हैं राजस्थान में, तो आपको पता होगा राजस्थान भी बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे वहाँ पे किले हैं, महल हैं, तो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। दूसरा है कि उसने करीब गुजरात, मध्य गुजरात, यानी आज का मध्य गुजरात है, वहाँ तक उसने सैनिक अभियान चलाए, और उसने बिहार, बंगाल, उड़ीसा तक में भी अभियान चलाकर उन पर कब्जा किया। ये चीज़ें बहुत ऐसा नहीं थी कि एक दिन में हुआ, ये इसको टाइम लगा है, धीरे धीरे साल दर साल ये लोग करते रहे। कभी प्यार से मनवाते थे, कभी युद्ध से मनवाते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपने राज्य में से मिला लिया। तीसरा जो है वो ये था कि यहाँ तक उसने, जो हमारा अफ़गानिस्तान है, वहाँ पे एक जगह है कंधार, उस पर उसने कब्जा करके पूरा इस पार्ट का हमारा भारत, ठीक है, और ये नीचे का तो थोड़ा सा ही, लेकिन ऊपर का पूरा ये जो भारत है, इस पर उसने कब्जा कर लिया अपना। और पूरे इतने हिस्से पर उसने जब कब्जा किया, तब लगा कि हाँ, अब भारत जो उस समय का भारत था एकीकृत हो चुका है, और उस पर राजाओं और राजाओं का शासन बन चुका है। अब हम देखेंगे उनका बेटा जहांगीर, जिसे सलीम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो जहांगीर है 1605 से 1727, इसका टाइम पीरियड भी कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं रहा है। मृत्यु के बाद जहांगीर बना है उनका राजा मुग़लों में, एकदम महान। इसने भी अपने ही पिता के जैसे ही सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाया। इसने मेवाड़ के सिसोदिया, अमर सिंह के साथ इसने काफ़ी लंबे समय तक युद्ध किया, और फाइनली सिसोदियों को हारना ही पड़ गया, ठीक है। तो इसका इसके बाद ये चीज़, क्योंकि युद्ध बहुत लंबा चला था, तो लोगों को लगा कि अब मुग़लों की सत्ता बहुत स्ट्रांग हो चुकी है, और उन्हें अब हराना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन आपको पता ही है, मुश्किल तो बिल्कुल भी कुछ चीज़ें नहीं होती हैं, मतलब कठिन नामुमकिन नहीं हो सकती, थोड़ी मुश्किल हो सकती है। तो उसने ऐसे ही करके सिखों, अहोमों और अहमदनगर में अभियान चलाए, लेकिन सफल नहीं हुए, ठीक है, वो उन पर हार गया। इसके कारण ये चीज़ लोगों को समझ में आने लगी कि नहीं, अब मुग़ल साम्राज्य, अकबर जितना स्ट्रांग नहीं रहा है, जो शुरू के राजाओं द्वारा
होता था उतना मजबूत नहीं रहा है, अब इन्हें हराना जा सकता है। ऐसे ही शाहजहाँ ने दक्कन में अपना अभियान चलाया, ठीक है, वहाँ पर उन्होंने जहाँ लोधी को हराया और फिर अहमदनगर की तरफ इन्होंने अपने आगे बढ़ते रहे ये, और फिर मतलब धीरे धीरे ये लोग चलते रहे चलते रहे, और फाइनली आप बोल सकते हैं कि आज के कर्नाटक तक ये लोग अपने धीरे यहाँ पर बीजापुर कर्नाटक में है, तो आज के कर्नाटक तक ये लोग पहुँच चुके। लेकिन एक जो ट्रेजेडी ये हुई कि उसके आपस में पुत्रों में ही आपस में झगड़ा हो गया कि भाई अब इनकी मृत्यु के बाद कौन बनेगा राजा, तो औरंगजेब, ठीक है, औरंगजेब ने अपने सभी भाइयों को मार डाला। उसने अपने मतलब बहुत महान महान उसके भाई थे, लेकिन सबको मार कर उसने सत्ता हासिल की, और ये है औरंगजेब। ये बहुत ही ज़्यादा हम बोल सकते हैं अपनी नीतियों में कट्टर था, ये बहुत ज़्यादा धर्म के प्रति झुका हुआ था। ये लोगों को धर्म जो भी चीज़ें धर्म की होंगी, मतलब जो उनके, क्योंकि ये ईसाई धर्म को मानते थे, तो उनके कुरान में जो चीज़ें लिखी है ये उनको अगर कोई उसके खिलाफ़ जाता था तो उसके खिलाफ़ ये सजाएं देता था। ये सब चीज़ें उन औरंगजेब के व्यक्तित्व में रही हैं जो एक नेगेटिव चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर उसने भी बहुत सारे अभियान चलाए, लेकिन ये कुछ ज़्यादा खास रहे नहीं, जैसे इसको कोई ज़्यादा खास सफलता मिली नहीं। उसने यूसुफ़जई और सिखों के खिलाफ अभियान चलाए जो कि जिसमें ये हार गया। फिर मराठा सरदार शिवाजी के विरुद्ध उसने अभियान चलाए, वो सफल रहा उसमें, लेकिन ज़्यादा टाइम तक नहीं रहा। इसकी मृत्यु के बाद शिवाजी ने अपना बदला निकाल लिया, और इसका सेकंड जो हम ये चीज़ देखेंगे कि इसने दक्कनों के शासन के विरुद्ध अपनी सेनाएं चलाई, क्योंकि उसका मानना था वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से शासन नहीं किया जा रहा है, वहाँ के राजा अच्छा शासन नहीं कर पा रहे हैं। उसने गोलकुंडा, ये भी कर्नाटका में, तो अब देखें कहाँ तक इसका मतलब जो पूरे के पूरे मुग़ल साम्राज्य हैं उनका पूरे हम बोल सकते हैं अफगानिस्तान या कर्नाटक यहाँ पर उसका शासन रहा है यहाँ तक, और पूरे भारत को उन्होंने एक तरीके से बांध कर ही रखा है। मुग़ल साम्राज्य के बारे में आज इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके कंटिन्यू करूँगा, और उसमें हम ये देखेंगे कि जो इन राजाओं द्वारा जिस भी प्रकार के अभियान जो सैन्य युद्ध चलाए जाते थे उनका रिजल्ट क्या निकलता था, उसका प्रभाव लोगों पर, अन्य राजाओं पर, उसके पड़ोसी राजाओं या देशों पर कैसा प्रभाव रहता था। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन आप उससे पहले आपका ये जिम्मेदारी है कि वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें और शेयर करें, कमेंट करके बताएं आपको कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे वीडियोस की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।